Investment in securities market are subjected to market risk. Please read all the related document carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेंड वाले टेक के एक नए वीडियो के अंदर। आज के वीडियो का थंबनेल टाइटल आपने देखा होगा। वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिनवेशिया की तरफ से आने वाले शून्य एप्लीकेशन की। क्या इसमें ट्रेडिंग करना आपके लिए सेफ रहेगा, इसमें ब्रोकरेज कितना लगता है एक्चुअली में, हम करके देखने वाले हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि फिनवेशिया अगर ब्रोकरेज नहीं लेता है तो ये खुद कैसे पैसे कमाता है, ये भी जानने वाली बात है। तो सारा कुछ बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, खुद यहाँ पे ट्रेड ले करके देखेंगे क्या क्या चार्ज लग रहा है, कितना चार्ज लग रहा है, ताकि आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए। और एप्लीकेशन कितना फास्ट काम करती है, कितना स्लो काम करती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो एक कंप्लीट नॉलेज यहाँ पे आपको फिनवेशिया के ऊपर मिलने वाला है। तो पूरी वीडियो को इत्मीनान से लास्ट तक देखिएगा और हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करिएगा। चलिए आपका टाइम वेस्ट किए बिना मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी बात करते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप शुरू से बात करेंगे। तो फिनवेशिया ब्रोकरेज की शुरुआत पंजाब के मोहाली में सन 2009 में हुई थी और ये इंडिया का पहला ऐसा ब्रोकरेज फर्म है जो आपसे किसी भी सेगमेंट के अंदर कोई ब्रोकरेज नहीं लेता है। चाहे आप FNO ट्रेडिंग करिए, चाहे आप करेंसी ट्रेडिंग करिए, चाहे आप इक्विटी ट्रेडिंग करिए, चाहे आप डिलीवरी में शेयर खरीदिए, कोई भी किसी भी प्रकार का ब्रोकरेज नहीं लगता है यहाँ पे। एंड आप अकाउंट भी ओपन करेंगे यहाँ पे तो भी ब्रोकरेज नहीं लगता, यहाँ पे कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं लगता है आपको। मैं यहाँ पे इंटरफेस दिखाना चाहूँगा यहाँ पे एप्लीकेशन का, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे जब अपना अकाउंट क्रिएट करके लॉग इन करेंगे यहाँ पे। तो एंड यहाँ पे आप अगर FNO सेगमेंट चालू कर लेते हैं, FNO ट्रेडिंग भी आपको यहाँ पे अलाउड है। और कोई भी ब्रोकरेज, चाहे आप FNO में ट्रेडिंग करिए, चाहे आप करेंसी में ट्रेडिंग करिए, चाहे आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करिए, चाहे आप आपका मन है तो कमोडिटी में ट्रेडिंग करिए, कोई भी किसी भी प्रकार का ब्रोकरेज नहीं लगता है। एंड कुछ चार्जेस लगते हैं यहाँ पे, मैं आपको लेके डायरेक्ट यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा ब्रोकरेज कैलकुलेटर के साथ। तो ब्रोकरेज कैलकुलेटर इसका ओपन करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है finvesia.com का कैलकुलेटर, यहाँ पे देख सकते हैं, आप भी इसको ओपन कर सकते हैं गूगल क्रोम पे। अब यहाँ पे देखिए, इक्विटी के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बताता हूँ, इक्विटी के अंदर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो मान लीजिए आपने कोई स्टॉक जो है 100 रुपये के प्राइस में ख़रीदा, ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 100 रुपये का प्राइस। इसके बाद हमने उसको सेल कर दीजिए, मान लीजिए 100 रुपये में ही सेल कर दिया, ना हमको कोई प्रॉफिट हुआ ना हमको कोई लॉस हुआ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए क्वांटिटी में हमने यहाँ पे उसकी 1000 क्वांटिटी उठा ली, 1000 क्वांटिटी को हमने 100 रुपये में ख़रीदा, 100 रुपये में बेच दिया। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे जो चार्जेस आपको देने पड़ेंगे वो लगभग 33 रुपये 34 पैसे यहाँ पे देने पड़ेंगे, जिसमें देखिए ब्रोकरेज बिल्कुल ज़ीरो है। FTT चार्ज लगता है 25 रुपये का, ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है 6 रुपये 90 पैसे का, और GST भी यहाँ पे लगता है, सेवी का फीस यहाँ पे लगता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लगती हैं। कुछ चार्जेस जो है गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह लगते हैं, लेकिन ब्रोकरेज यहाँ पे कुछ भी नहीं लगता। अगर आप किसी दूसरे ब्रोकर के साथ ये ट्रेड करते तो आप लोगों को यहाँ पे मान के चलिए 40 रुपये एडिशनल ब्रोकरेज में लगता, और ब्रोकरेज के ऊपर आपका GST वगैरह लगता तो 4-5 रुपये और हो जाता, तो लगभग 45 रुपये का आपको और फटका लगता। यानी जो 33 रुपये यहाँ पे लग रहे हैं ये लगभग लगभग आपके हो जाते 80 से 85 रुपये, ठीक है। तो आप लगभग आपका 45 रुपये बचा रहे हैं फिनवेशिया के अंदर ट्रेडिंग करके, इक्विटी के अंदर। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो FNO में ट्रेडिंग करते होंगे, तो यहाँ पे FNO का देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे FNO में मान लीजिए कोई स्टॉक है 1000 रुपये का, आपने 1000 में उसको ख़रीदा, ठीक है, और आपने क्या किया उसको सेल कर दिया 1200 रुपये में, ठीक है, 1000 में ख़रीदा 1200 में सेल कर दिया, क्वांटिटी उठाई आपने 1000 क्वांटिटी, ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लग रहा है। अगर आप किसी और ब्रोकर के साथ इतनी बड़ी क्वांटिटी उठाते 1000 यहाँ पे क्वांटिटी उठाते यहाँ पे, और 1000 रुपये में ख़रीदते और 1200 में बेचते, तो लगभग लगभग आपका जो है यहाँ पे 250 रुपये तक चला जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए 250 से 300 रुपये चला जाता, लेकिन यहाँ पे देखिए जो FTT चार्ज है वो 120 रुपये लग रहे हैं, ब्रोकरेज कोई भी नहीं लग रहा है, ट्रांजेक्शन चार्ज लग रहा है, GST लग रहा है, सेवी फीस लग रहा है, टोटल 174 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट का चार्ज है, ये आपको देना ही देना है, ठीक है, 174 रुपीस तो देना ही देना है। इसके बाद ब्रोकरेज लगता, ब्रोकरेज के ऊपर आपका GST लगता, तो मिला जुला के काफ़ी लंबा चौड़ा हिसाब किताब आपका बन जाता है। FTT चार्ज भी तब ज़्यादा लग जाता, तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे कई सारे अपने पैसे बचा सकते हैं, चाहे आप इक्विटी में ट्रेड करें, चाहे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करें, आप लोगों को यहाँ पे बहुत प्रॉफिट होने वाला है।
बात करें दोस्तों इसके स्पीड की, तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग है और बिगिनिंग कर रहे हैं अभी, तो आप लोगों को फिनवेशिया ज़रूर सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को भले ही उतनी अच्छी स्पीड नहीं मिलती जैसे जीरोधा में, ग्रो में, एंजल वन में स्पीड मिलती है, क्योंकि उनके अंदर ब्रोकरेज भी काफ़ी तगड़ा लगता है, लेकिन यहाँ पे कोई ब्रोकरेज नहीं लगता, तो थोड़ा सा स्लो है एप्लीकेशन। ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है मुझे, उनसे स्लो है, उनके कंपैरिजन में स्लो है, लेकिन अगर आप इनिशियली यहाँ पे ट्रेड करते हैं, अभी पहली बार आ रहे हैं, बिगिनर हैं, आप सीखना चाहते हैं चीज़ों को, तो आप फिनवेशिया को ज़रूर से देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेफ़र करके अर्निंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पर बता दूँ, रेफरल प्रोग्राम इनका बिल्कुल ही बेकार है, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है रेफ़र करके, कोई भी आपको यहाँ पर बेनिफिट नहीं होने वाला है। पहले 50 रुपये मिलते थे पर रेफर के, लेकिन अभी कोई पैसे यहाँ पे नहीं मिलते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब आप लोग के मन में ये होगा सवाल कि फिनवेशिया अगर कोई ब्रोकरेज नहीं ले रहा है, अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं ले रहा है, तो आखिर ये पैसे कैसे कमा रहा है? तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कुछ एडिशनल सर्विसेज हैं फिनवेशिया के, जिनको लेने पे, यहाँ पे खरीदने पे आपको इनको पैसा देना पड़ेगा। ये तो हो गया इनका फर्स्ट मार्ग, यहाँ पे फर्स्ट रास्ता जिससे ये पैसे कमाते हैं। दूसरा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो एक्सचेंजेस होते हैं यानी कि NSE और BSE, NSE का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे टर्नओवर जो होता है, यहाँ पे लोग ट्रेड करते हैं, तो उसके हिसाब से इनको इंसेंटिव भी देते हैं, ठीक है, इंसेंटिव भी इनको यहाँ पे अर्निंग होती है, और इस तरह से ये लोग अर्निंग कर लेते हैं। उतनी अर्निंग नहीं करते हैं जितनी बाकी ब्रोकरेज करते हैं, लेकिन ये भी अर्निंग ठीक ठाक कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री में ही ये चला रहे हैं चीज़ों को, यहाँ पे और भी सर्विसेज है जिससे पैसा कमा रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनको जोड़ने का इनका मंशा है, इनका इरादा है। तो आप लोग भी चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं। और आपको ये रिव्यू कैसा लगा, मैंने लगभग हर चीज़ कवर की आपके लिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्त। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।